हिमांशु गुप्ता फास्ट न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। पीड़ित की पत्नी ने अपने ही मायके वालों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बताते चले कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के कुछ ही न्यायालय में पेशी पर गए सिलावद निवासी हसन अली पिता छोटे खान मंसूरी ने अपने सात कोर्ट परिसर में 10-15 लोगों द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाए। पीड़ित युवक हसन अली पिछले 2 दिनों से सिलावद के शासकीय अस्पताल में उपचाररत है। वहीं पीड़ित युवक की पत्नी ने इस मामले में अपने ही मायके वालों पर छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगाए हैं। अस्पताल में उपचाररत हसन अली ने बताया कि 3 सितंबर को कुछ ही न्यायालय अपने पत्नी माता पिता और बच्चों के साथ धारा 498 के एक केस में चलान पेश होने पर ससुराल वालों से अपनी ही राजीनामा और जमानत के लिए गए थे। इस दौरान उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने अन्य रिश्तेदार भी कोर्ट पर मौजूद थे। पेशी के दौरान हसन अली के ससुराल पक्ष के 10-15 लोगों ने उसकी पत्नी सुल्ताना के साथ छीना झपटी और छेड़छाड़ की। वहीं हसन अली द्वारा रोके जाने पर उसके साथ गंभीरता से मारपीट की गई। हसन अली का कहना है कि इस घटना के बाद मारपीट करने वाले लोग कोर्ट परिसर से भाग गए। वहीं उन्होंने बताया कि डायल 100 पर कॉल किया गया तो पुलिस आई, लेकिन स्थानीय सदर के कहने से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं थाने पर टीआई को भी फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। हसन अली ने बताया कि कुछ ही में पुलिस का सहयोग नहीं मिलने पर वे अपने माता पिता पत्नी और बच्चों के साथ जान बचाकर वहां से भागकर सिलावद आए हैं। यहां आने के बाद हसन अली की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। युवक का उपचार कर रहे डॉक्टर लखन पटीदार ने बताया कि युवक को अंदरूनी काफी चोट आई है, पेट में दर्द, सोनोग्राफी और USCG कराई जा रही है। अस्पताल की सूचना पर सिलावद पुलिस द्वारा पीड़ित युवक के बयान लेकर आई है। देखें अमजद मंसूरी की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन अली है। क्या हुआ आपको? मेरे साथ भयंकर रूप से मारपीट हुई है। मैं खुद से अपनी बीवी बच्चे और मम्मी पापा को लेकर चालान पेश हुआ था 498 का, तो उसके लिए जमानत और आपसी राजीनामे के लिए कोर्ट गया था, जिससे वह मेरे ससुराल वाले रिश्तेदारों ने 15-20 जनों ने आकर मेरी बीवी को और मुझे और मेरी मम्मी पापा को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करा और मेरी बीवी के साथ में छेड़छाड़ और कुछ बावट अंग पे हाथ लगाया, छेड़छाड़ की। किस मामले में गए थे आप वहाँ पर? 498 में दहेज बरतना का मेरी बीवी का केस चल रहा था। मेरी बीवी और हम एक साथ 2 महीने से साथ में रह रहे हैं। कुछ समय से हमारे आपसी मियाँ बीवी में विवाद चल रहा था, तो उसका राजीनामे के लिए कुक्सी कोर्ट परिसर में गए थे, जिससे हमारे ससुराल वालों ने राजीनामा रुकवाया और पहले से एक केस मेरे ससुर पे चल रहा है 377 का, उस पर मानसिक रूप से मेरे को प्रताड़ित कर रहे कि उसे राजीनामा देना पड़ेगा, उसको छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे, तेरे परिवार को कुक्सी कूदने नहीं देंगे। कब की घटना है ये? 3 तारीख की है। आपने रिकॉर्ड दर्ज करवाई है? मैंने 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, पुलिस आए, लेकिन वहाँ के सदरों ने उसको कार्रवाई करने पर रोक दिया। TI साहब को भी फ़ोन लगाया कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरी बीवी के साथ में छेड़छाड़ हुई है, तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी क्या किया? अभी कल आई पुलिस, आई थी, वो बयान लेके गई है मेरे से। कहाँ की पुलिस आई थी? सिलावद की पुलिस। जान छुड़ा कर मैं कुक्सी से भागा, वहाँ पे मेरी FIR दर्ज नहीं की गई, तो मैं वो मेरा पूरा परिवार, बीवी बच्चे, माँ बाप सब थे, तो वहाँ से किसी भी तरीके से जान बचा कर भागा और सिलावद को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। और वहाँ से फिर TI साहब को डॉक्टर साहब ने फोन लगा के बुलाया और बयान दिए। आपके खिलाफ में आपके साली ने FIR कराई छेड़छाड़ को लेकर कुक्सी थाने? झूठी है FIR साहब।
ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो उसे कहीं देखा भी नहीं, बात भी नहीं करी और पहचानता ही नहीं कि वो है कि नहीं है। मुलाकात ही नहीं हुई मैंने मेरी उससे। झूठा आरोप लगाया। झूठा आरोप लगाया है ये केस को दबाने के लिए, दबाव डालने के लिए 377। और पहले भी इन सभी ने मेरे साथ में वो मारपीट की है और कोर्ट के पैसे वैसे भी, सोने की चेन भी छीनी है। और अभी भी मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी, गाड़ी का लॉक तोड़ दिया, उसमें प्राइवेट सरकारी डॉक्यूमेंट से भी चोरी कर लिए और बैग में 15,000 रुपये जमानत के और वकील के फीस के थे वो भी छीन लिए, चोरी कर लिए। क्या घटनाक्रम है आपके पति से? जी, हम सिलावे सुसार फिक्सी गए थे, हमारा चालान पेश हुआ था तो मेरे मायके वालों ने हमको घेर लिया और वहाँ पर 10-15 इंसान थे मेरे मायके वालों, मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मारपीट करी, गाली गलौज करे और जान से मारने की धमकी दी, अगर तूने ये केस वापस लिया तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे को आने नहीं देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे। और मेरे सास ससुर के साथ भी मारपीट करी, मेरे आदमी के साथ मारपीट करी और चालान पेश हो रहा था तो हम मना कर दिया कि चालान पेश मत करें, वहाँ पर कोई रिपोर्ट ये मत करें। आपके पति पर भी आरोप लगा है कि उनकी साली के साथ जी वो छेड़। गलत है, बिल्कुल झूठ है। मेरी मम्मी और बहन आई थी मिलने के लिए मुझसे कि घर नहीं आएंगे करके तो हम कोर्ट में मिलने चले जाए, तो बहन और अम्मी दो ही आए थे कोर्ट में मिलने, बातचीत कर ली और चले गए, वहाँ कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। ये गलत गलत है, झूठ बात है ये। आप अपनी मर्जी से पति के साथ रह रहे हैं? जी मैं अपनी मर्जी से अपने पति के साथ में रह रही हूँ, राजी मर्जी खुशी से रह रही हूँ और कोई मेरे पे दबाव से मैं नहीं कर रही कोई भी काम। आप आपके पति के साथ खुश हो? हाँ मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मतलब आपके जो मायके वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो वो गलत बिल्कुल गलत है। छोटे सा क्या घटनाक्रम उसी राजीनामा की किए थे, जमानतदार साथ में लेके गए थे, बहू और हसन अली भी साथ में था और जमानतदार भी साथ में था और हम गाड़ी पे से उतर के, गर्मी हो रही थी तो बाहर बैठे थे, इतने में 10-15 आदमी आए जिनको कोई को पहचानता हूँ किसी को नहीं पहचानता हूँ, उन्होंने मतलब बहू के साथ बातचीत करी और उसके हाथ पकड़ के उसको छीना झपटी करके घर चल घर चल, फिर अपन हसन को बताएंगे कि क्या होता है। कौन तो लोग थे? फिर हसन तो कोर्ट के अंदर था, फिर मैंने हसन को फोन लगाया कि हसन ये 10-15 आदमी आके बहू के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, आप तो जल्दी आ। फिर हसन आया, हसन ने उनको कहा देखो मेरी औरत है और आप इसका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, गलत है, नहीं तो मैं साहब को जाके मजिस्ट्रेट साहब को बोलता हूँ। उसके बाद भी वो नहीं माने, इसको गाली गलौज देने लगे बहू को भी और उसको पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहे थे। इतने में हसन ने फिर उनको छुड़ाया और उसको फिर कोर्ट के अंदर ले जाके वकील के कमरे में जाके बिठा दिया। क्या हुआ उसके बाद में? फिर हमारे कोर्ट में आवाज़ आई तो हम कोर्ट में चले गए, वहाँ पे राजीनामा बहू ने लिख के दिया कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं राजी बाजी से हूँ और ये मेरे अपने बहू के जो रिश्तेदार थे वो वहाँ पे आ गए और बहू को उल्टी सीधी बातें समझाने लगे कि तेरा बाप जेल में है, अपन ऐसा करेंगे तो तेरा बाप को ये चीज छुड़ा देगा, नहीं तो तेरा बाप हम जेल में मर जाएगा, तेरी माँ घर पे बीमार है, ऐसा करके बहू को बेखा बेखा रहे थे। बहू ने आपके छोड़े साहब जी कोर्ट परिसर में मारपीट हुई आपके बच्चे के साथ? हाँ हसन के साथ हुई ना, पेशाब की जगह पे लात मारी, अभी अस्पताल में मेरा छोरा भर्ती है, ट्रीटमेंट चल रहा है। छोरे के नाम छेड़छाड़ छेड़छाड़ हम तो वहाँ गए नहीं, वो छोरी को तो हमने देखा ही नहीं वहाँ कोर्ट में, झूठी रिपोर्ट है वो, ये दबाव बना रहे प्रेशर बना रहे कि कहीं भी करके मतलब इसके हसन अली के ससुर जो है मुस्तकिन उसको ये छुड़ा दे, आवेदन दे के लिख के दे दे। हसन ने क्या भाई मेरे बच्चे बाहर बात है, मैं नहीं कर सकता ये काम। डॉक्टर लखन पाटिल, अच्छा
क्या घटनाक्रम हुआ हसन अली? हसन अली कल हमारे पास इलाज के लिए आए थे, जो कि उन्होंने बताया कि हमारे साथ मारपीट हुई है और उनको अंदरूनी जैसे पेट में कोई तकलीफ हो रही थी। बाहरी तरह से तो कोई चोट नहीं है उनको, पर पेट के अंदर उनको परेशानी हो रही थी, दर्द हो रहा था और वो समस्या बता रही थी कि मेरे को पेशाब नहीं रुक रही है मेरी, अब बार बार आ रही है, बार बार आ रही। तो वो घटनाक्रम मुझे बताया, उसके बाद मैंने उसकी जो है PMLC पुलिस थाने भेजी है और अभी उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। अभी क्या स्थिति है मरीज? अभी तो ठीक है, पर उनको आगे इन्वेस्टिगेशन USG के लिए, सोनोग्राफी के लिए मुझे भेजना।